सर्दी हो या बारिश, गर्मा गर्म पकौड़े हों किसी भी रूप में, चाहे वो मंगोड़ों के रूप में हो, चाहे भजिया के रूप में हो, हमें अच्छे लगते हैं चाय के साथ। हो रहा है बहुत ठंडा, चाय पीने का बार बार मन करता है तेज सर्दी और बारिश में, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, घर में जो उपलब्ध सामान है जो इन दिनों हमारे घर में रहता है, ये पालक, मेथी, गाजर, हरा प्याज, जो भी सब्जियां आपके पास है उन्हीं को हम लेकर के मंगोड़े बनाएंगे, वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और झटपट से बन करके तैयार होंगे। इनको स्टोर करने का तरीका भी आज हम सीखेंगे कि आप 2 दिन पहले भी इनको बना करके रख लें और फिर बाद में आप गर्मा गर्म जब चाहें तब इनको वापस से फ्राई करके कैसे सर्व करेंगे, तो ये भी आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो अंत तक आप पूरे वीडियो में बने रहें। तो आइए झटपट से हम सीखें कि ये मूंग वड़े कैसे बने। मंगोड़ों में एक स्पेशल तरह का मसाला यूज़ करेंगे, उससे इसकी खुशबू और स्वाद जो है दोनों ही बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने पेन गरम चढ़ाया है। डाल दूंगी 2 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया। सौंफ डालेंगे 4 टेबल स्पून, इसमें सौंफ की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी है। थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हम इसमें दूसरी लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, ये वाली मिर्ची यूज़ करेंगे। इनको हल्का सा भून लेंगे, भुनने से इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। और इनको ठंडा करके मैं मिक्सी में हल्का दरदरा कर लूँगी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है। अगर आप मिक्सी में नहीं करना चाहते तो सिलबट्टे पर भी आप इनको रगड़ सकते हैं। मूंग वड़ों के लिए हमने छिलके वाली मूंग की दाल ली है और इसके छिलके हमें हटाने नहीं है, इनके छिलकों का भी यूज़ करना है। तो 3 से 4 घंटा मैंने इस दाल को भिगो के रखा है, तो अच्छे से फूल गई है। और अब इसको मैं छलनी पर निकाल लूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी हट जाए, क्योंकि हमें बिना पानी के इसको हल्का दरदरा करना है। क्योंकि अगर दरदरा करने में अगर पानी रह गया तो फिर हमारा जो ये गोल होता है ये पतला हो जाता है, क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि मंगोड़ों का जो आटा होता है वो पतला हो जाता है। तो पतला इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम पानी की मात्रा रख देते हैं, और इसमें हम इतनी सी दाल को अलग निकाल लेंगे। इसी दाल हमने अलग निकाल दी ताकि क्रंचीनेस के लिए, और बाकी की दाल को हम छलनी पर निकाल करके मिक्सी में हल्का दरदरा पीसेंगे। तो दाल हमने पीस ली है, वो ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। दाल जो है हमने कम से कम 1 कप ली है, आपको जितनी बनानी है उस हिसाब से ले लेंगे, लेकिन मेजरमेंट बता देती हूँ क्योंकि हम इसमें बेसन यूज़ करने वाले हैं। तो 1 कप जैसे मूंग की दाल ली है तो 1.5 से 2 कप हमारा बेसन लगेगा। अगर आप बिना बेसन के बनाना चाहते हैं तो बिना बेसन के भी बन सकती है, लेकिन आज मैं बेसन के साथ बताने वाली हूँ। बिना बेसन वाली रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर रखी है, तो मैं लिंक दे दूँगी उसका। तो इस दाल को देखिए, ऐसा टेक्सचर हमें करना है। इस दाल को हम थोड़ी सी देर चम्मच से या हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा फेंटेंगे। तो ये फेंटने पर इसका जो है देखिए कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वाइट कलर पे हो जाता है। तो ऐसा हमें कर लेना है ताकि स्पंजीनेस रहे इसमें। एक साइड में रख देते हैं। अब इस दाल में हम अपनी दूसरी सामग्री डालेंगे, क्योंकि हम बहुत ही हेल्दी ऑप्शन के साथ बना रहे हैं, बहुत हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो आपके पास जो भी सब्जियां हो वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैं कद्दूकस की हुई गाजर डाल रही हूँ, धनिया डालूँगी खूब सारा बारीक कटा हुआ पालक डालेंगे, बारीक कटी हुई मेथी, क्योंकि अभी बारीक इजीली हम काट लेते हैं पालक, मेथी अवेलेबल होती है इसलिए, तो बारीक कटी हुई पालक मेथी। अगर आप प्याज खाते हैं तो सूखे प्याज डाल दें, या फिर इन दिनों ग्रीन वाले प्याज भी आ रहे हैं तो ये ग्रीन प्याज डाल लेंगे। आप बिना इसके भी बना सकते हैं, पर सर्दी में अवेलेबल हैं तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। को बिल्कुल सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें एक चीज़ डालेंगे, आलू। कंपलसरी रूप से आलू का यूज़ करेंगे। आलू को मैंने इस तरीके से लच्छे में कद्दूकस कर लिया और इसको अच्छे से निचोड़ेंगे, या तो कपड़े की सहायता से या हाथ की सहायता से निचोड़ करके हम इसको यूज़ करेंगे। पानी का कंटेंट इसमें कम रहना चाहिए, और जब भी हम कद्दूकस करेंगे डायरेक्ट पानी में करेंगे ताकि इसका स्टार्च भी निकल जाए और आलू हमारा काला ना पड़े। तो इसको मैंने अच्छे से निचोड़ दिया। तो एक छोटा आलू ले लिया मैंने, इसी में हम हरी मिर्ची डाल देंगे स्वाद अनुसार, जितनी तीखा आप खाते हैं। लहसुन और अदरक को मैंने बारीक कूट लिया है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हींग डाल देंगे 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच जितना अमचूर पाउडर डाल देंगे,
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा कलर अच्छा आएगा इससे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे जो हमने मिक्सी में दरदरा किया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से, और अभी इसमें काफ़ी मॉइस्चर है तो अभी नमक भी हम अभी इस टाइम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम नमक अभी डाल देंगे तो नमक की वजह से हमारा मिश्रण बहुत गीला हो जाएगा। देखिए काफ़ी मॉइस्चर है इसमें, प्याज हैं इसमें, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं हमारी, गाजर है, सभी में मॉइस्चर है। अब इसमें हमने जो दाल बचाई थी वो डाल देंगे। इसमें हमने जो 1.5 कटोरी बेसन लिया है उसको हम धीरे धीरे डालेंगे, सारा बेसन एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन ही यूज़ करेंगे जब तक हमारा बाइंडिंग और थोड़ा सा टाइट हो जाता है डो, इतना ही हम डालेंगे। इस मिश्रण को हमें तैयार करते हाथों हाथ ही हमें मंगोड़े जो हैं तलने के लिए चढ़ा देने हैं। इस आटे को रेस्ट पे नहीं छोड़ना है हमें। तो मेरा पूरा बेसन लग गया है इसमें, ये देखिए। अब इससे ज़्यादा ढीला नहीं करेंगे बेसन, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब नमक डालते ही जो है ये मॉइस्चर हो जाएगा, पानी छोड़ेगी सब्जियाँ, तो बस जितना गीलापन होगा वो काफ़ी है। और फिर भी अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम 1 से 2 टीस्पून पानी ऐड करेंगे। तेल भी हमने गर्म होने चढ़ा दिया है, क्योंकि हमें मीडियम गर्म तेल ही चाहिए इसमें। और अब इसमें हम 1/8 टीस्पून जितना मीठा सोडा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसमें अब इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए 2 टीस्पून में पानी डाल रही हूँ नॉर्मल, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। हाथ से हम इस तरीके से बड़े बनाएंगे, तो इस तरीके से बड़ी बड़ी लोइयां हमें इस तरीके से गोल लड्डू की तरह बना करके मीडियम गरम तेल में डालना है। तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है, और अब इसमें हम अपने ये मंगोड़े डालेंगे, बड़े साइज़ के बनाएंगे। और एक बार में मैं बहुत सारा तेल रखना पसंद नहीं करती हूँ, तो छोटे बर्तन में मैं तेल रखती हूँ, और बस तेल इतना होना चाहिए कि हमारे मंगोड़े जो हैं उसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत सारा तेल एक साथ चढ़ा लेने से क्या होता है कि तेल का वेस्ट भी होता है और धुआं भी ज़्यादा हो जाता है, और बाद में जो है वो तेल काम आने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तेल रख करके आप फ्राई करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो देखिए मीडियम गर्म ही तेल हमें करना है, ज़्यादा तेज में क्या होगा, जाते ही बाहर से कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अभी इसको मैं डाल देती हूँ जितने तेल में एक बार में आते। इन्हें हम डालते ही छेड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ऊपर तक, फिर हम इनको हिलाएंगे। तो अब इनको हमने पलट लिया और बस हल्का सा अब इनको फ्राई करेंगे। इसको डबल फ्राई करने से एक तो ये ऑयली नहीं होंगे और बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। तो अभी 1 से 2 मिनट इनको हम हल्का सा फ्राई और कर लेते हैं। सारा एक साथ पकाना नहीं है, क्योंकि हमने इसको काफ़ी मोटे रूप में किया है तो ये इस तरीके से अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसको हम रीफ्राई करेंगे। तो बस ये हो गए, इतने ही हमें एक बार में फ्राई करने हैं, तभी हम इनको अच्छे से शेप दे करके वापस से तेल में डाल पाएंगे। तो इनको हम निकाल लेते हैं। मंगोड़ों को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए जैसे मैंने ये बताया कि ये हमने कम फ्राई करने हैं पहले, और रीफ्राई करने के लिए हमें दबा करके करना है। तो ये एक बार फ्राई करके हम स्टोर करके अच्छे से एयरटाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देते हैं। तो आप जब चाहें तब आप इनको फ्राई करें और इनको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो अभी मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ, कुछ मंगोड़े ही मैं आपके सामने अभी रीफ्राई करूँगी, बाकी के मैं स्टोर करूँगी, और जब हमें शाम को खाना होगा चाय के साथ तब मैं हाथों हाथ बनाऊँगी, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, और तेज़ सर्दी में बारिश में चाय के साथ ये मंगोड़े तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इनको मैं डबल फ्राई जब करूँगी, जब सर्व करना होगा, तो अभी इनको करके रखूँगी मैं। और कैसे करेंगे हम डबल फ्राई ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पिछले वाली वीडियो में मैंने बनाना चिप्स आपको सिखाई थी, बहुत पसंद आई लोगों को, और उससे पहले मैंने कचौरी मिक्स सिखाई है तो वो भी काफ़ी पसंद की है मेरे फ्रेंड्स ने। तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रा देखेंगे, और इसके आगे आने वाली वीडियो में भी मैं 2-3 तरह की कचौरियाँ डालूँगी जिसमें छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली रेसिपी में कौन सी लाऊं।
तो आप बने रहें मेरे साथ। तो ये देखिए मंगोड़े मैंने निकाल लिए और अब इनको मैं पेपर नैपकिन में या टिश्यू पेपर में किसी पे भी ले लेंगे, किचन नैपकिन पे इसको ले लेती हूँ और इसको इसके अंदर रख करके या तो हाथ से प्रेस कर लूँगी, ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं। और इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा तेल जो होगा वो भी हट जाएगा, मॉइस्चर भी हट जाएगा, हाथ से प्रेस हो रहा है। और अगर हाथ से आपको शेप नहीं मिल रहा है तो आप किसी कटोरी से या इस तरीके से भी इसको दबा सकते हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्ट है कि ये हाथ से हम इस तरीके से दबा लेते हैं। अब तेल को हम थोड़ा सा तेज़ गर्म करेंगे, पहले हमने मीडियम गर्म में डाला था, अब हम थोड़ा सा उससे तेज़ गर्म कर लेते हैं तेल को, क्योंकि अगर हम थोड़े ठंडे तेल में डालते हैं तो फिर हमारे ऑयली हो जाते हैं कोई भी पकौड़ा भजिया वगैरह होती है। तो अच्छे से गर्म हो चुका है ये, अब इसमें हम एक एक करके हमारा ये दबाया हुआ मंगोड़ा जो है इसमें डालेंगे। टेस्टी लगते हैं और देखिए बिल्कुल बच्चों को जो है इसी बहाने हम सारी सब्जियां दे देंगे, गाजर पालक मेथी, और हेल्थ का तो इसमें सब कुछ है, बस ये कि हम फ्री फ्राई कर रहे हैं, इससे ऑयली भी नहीं लगेंगे हमारे मंगोड़े। काफ़ी अच्छे क्रंची हो गए हैं ये, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म मंगोड़े बनकर के तैयार हैं, बहुत हेल्दी तरीके से हमने इसको बनाया। और देखिए बाहर से क्रंची है और अंदर से एकदम से सॉफ्ट है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, और बहुत ही अच्छे लगेंगे ये आपको, बिना चटनी के भी अच्छे लगेंगे। तो मैं इनको चाय के साथ इंजॉय करने वाली हूँ। आप भी इस सर्दी में एक बार इन मंगोड़ों को बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।